हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आप सभी का है स्वागत। तो आज हमने बनाया है पालक का साग और बहुत ही मज़ेदार सीजन चल रहा है साग का, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर पालक लिया है और पालक को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। पहले आप इसको धो लीजिएगा पालक को, जब कट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कुकर लेंगे और साग को इस कुकर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक लिया था, तो कुछ तो उसमें से डंठल वगैरह निकल गए थे, तो यहाँ लगभग मेरा 1.25 किलो साग बचा है। तो यहाँ पर हम डालेंगे एक प्याज, लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च। लहसुन थोड़ा सा इसमें साग में ज़्यादा जाएगा। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। और हम डालेंगे इसमें आधा ग्लास पानी। तो मैं इसमें दाल भी डालूंगी चने की, तो वो बाद में डालूंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम साग में 3 से 4 सीटियाँ लगा लेंगे। तो मैंने इसको गैस पर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिए ये चने की दाल, ये मोटी वाली दाल होती है, तो इसको हम 10 से 15 मिनट भिगा लेंगे। अभी मैं इस दाल को डालती तो दाल जो ना घुल जाती, इसको हम बाद में डालेंगे। तो इसको हम भिगाने के लिए रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें सीटियाँ भी लगा चुके थे और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब साग को हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने जो दही वगैरह बिलोते हैं उसको लेना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको मैश कर लेना है। और लहसुन वगैरह काफ़ी अच्छी आसानी से जो है ना घुल जाते हैं इसमें। आप साबुत ही लहसुन डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट तक इसको बिलो लेना है। इस तरीके से आप कर लेना इसको। और साग को आप बिलो के ही बनाया करो, मिक्सी में मत पीसा करो उसको, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से ब्लो लिया है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने ये दाल जो भिगा के रख रखी थी, इस दाल को डाल देना है आपने। अगर आपको थोड़ा सा पानी कम लगे तो आप इसमें गरम करके पानी डालिएगा। तो इसको साइड रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मक्के का आटा लिया है, ये इसमें थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल देना है और एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। अब इसको हम साग में डाल देते हैं। चम्मच से आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सिर्फ 2 सीटी, मीडियम गैस पे आप 2 सीटी लगा लेना। इसमें हमारी दाल जो है ना गल जाएगी। और यहाँ पर 2 सीटी लगाने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच देसी घी। तड़का आप किसी भी तेल में लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने छोटा छोटा काट रखा था, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब लहसुन को हमने अच्छे से भून लेना है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने लिए 2 लाल मिर्ची, 2 लाल मिर्ची। तो देखिए यहाँ पर लहसुन इस तरीके से भुन जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच डाली हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ।
अब तड़का हो चुका है रेडी। अब इसमें हमने जो साग को बॉईल किया था इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर हम इसको 3 से 4 मिनट करीब पका लेंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ 2 मिनट तक। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए साग मेरा बन के हो चुका है रेडी। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो साग हमारा बन के तैयार है पालक का। तो पालक का साग बनके हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरी पालक की सब्जी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।